Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. सबसे पहले उस्मानदार आपको, आपकी सारी टीम को मैं खराज तहसीन पेश करता हूं और मुबारक देता हूं आपको। और इसलिए कि जिस जुनून से आपने ये काम किया, मेहनत तो आपने की लेकिन मेहनत के साथ जुनून मुझे नजर आया, इसलिए मैं खास तौर पे सबके सामने, आप सारा यूथ, नौजवान, कामयाब नौजवान जो यहां बैठे हैं, मैं सबके सामने आज इसको, उस्मानदार को, इसलिए कि कई समझते थे बड़ा मुश्किल है, ये नहीं होगा, लेकिन लगा रहा उस्मान फाइनेंस मिनिस्टर से मिलता था, प्लानिंग मिनिस्टर से मिलता था, स्टेट बैंक गवर्नर से, तो ये जो इससे प्रोग्राम अभी तक सामने लेके आए, ये शुरू करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन माशाल्लाह क्योंकि अब चल पड़ा है तो अब हमें नजर आ रहा है कि ये हमारे मंसूबों में से इंशाल्लाह सबसे कामयाब होगा। अच्छा, अब आप सब ने खामोशी से जरा 2-3 मिनट गौर से मेरी बात सुन ली, बिल्कुल खामोशी। देखिए नौजवानों, मैं 9 साल का था तो मैं अपनी वालदा के साथ, तब वो गद्दाफी स्टेडियम नहीं था, उसका नाम अभी गद्दाफी रखा नहीं गया था, लेकिन लाहौर स्टेडियम में टेस्ट मैच देखने गया 9 साल की उम्र में। मेरी खाला के बड़े बेटे थे जिन्होंने उस टेस्ट के अंदर बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस दी, सेंचुरी की। तो अभी एक मिनट कुछ और बोल, बस अभी नहीं। तो मैंने अपनी वालदा को कहा कि मैं टेस्ट क्रिकेटर बनना चाहता हूं, 9 साल की उम्र का था। तो जितने भी मेरे रिश्तेदार थे जिन्होंने मेरे कजन्स को देखा हुआ था क्रिकेट खेलते हुए, वो मेरे से बड़े थे, वो सब मुझे कहते थे कि उनमें तुम्हारे से बहुत ज्यादा टैलेंट था, तुम टेस्ट क्रिकेटर नहीं बन सकते। तो सारा वक्त मैं ये सुनता गया कि तुम्हारा टेस्ट क्रिकेटर बनना यानी पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलना नामुमकिन है। फिर खैर मैं बन गया टेस्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान कामयाब जवान कन्वेंशन 2021 से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उस्मान डार को कामयाब जवान कन्वेंशन पर मुबारकबाद देता हूं। उस्मान डार इस प्रोग्राम के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सुने, जरा गौर से सुने, क्योंकि ये देखें, ये जो ये मैं आपको बातें कह रहा हूं, ये आपके लिए आने वाले आपके मुस्तकबिल में बहुत काम आएंगी, तो इसलिए जरा गौर से सुने, क्योंकि आपने इंशाल्लाह बड़े काम करने हैं, आप सब ने बड़े काम करने हैं। तो जब टीम इंग्लैंड में वो था तो अखबार में आया इमरान कांट, इमरान खान नहीं, इमरान कांट, यानी क्रिकेट नहीं खेल सकता। उसके बाद 4 साल लगे वापस, बड़ी मेहनत की, पढ़ाई भी कर रहा था, मेहनत करके फिर से क्रिकेट टीम में वापस आया और फिर मेहनत की, गलतियों से सीखा, कामयाबी मिली, फिर बड़े बड़े गोल्स किए कि पहले पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर बनना चाहता था, फिर दुनिया का, फिर कैप्टन बना, फिर पाकिस्तान टीम को दुनिया की टॉप टीम करना चाहता था। ये सब लेकिन हर जगह, सुने जरा, हर जगह मुझे यह कहा गया कि यह नामुमकिन है। हर जगह पहले मुझे कहा तुम तेज बॉलर नहीं बन सकते, फिर तुम कैप्टन नहीं बन सकते, हर जगह दुनिया कहती रही कि यह चीजें नामुमकिन है। फिर जब हॉस्पिटल बनाने लगा,
अखबार में मजमून निकले कि ये कौम से पैसा इकट्ठा करे, पैसा जाया हो जाएगा, हॉस्पिटल नहीं बनेगा, फिर कहा गरीबों का मुफ्त इलाज नहीं होगा। ये सब मुझे सुननी पड़ी अपनी जिंदगी में चीजें। फिर जब नमल यूनिवर्सिटी बनाने गया, कहा देहात के अंदर प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी नहीं बना सकता, कि देहात के अंदर प्राइवेट सेक्टर इसलिए नहीं क्योंकि फैकल्टी नहीं जाएगी, प्रोफेसर्स नहीं जाएंगे वहां, इसलिए वो फेल हो जाएगी। फिर जब पॉलिटिक्स में आया तो 14 साल मेरा मजाक उड़ा, 14 साल थोड़ा वक्त नहीं है, 14 साल बड़े बड़े तजिया नगार मजाक उड़ाते रहे कि ये जी समझता है क्रिकेट है ये सब कुछ। कहा कि दोस्तों ने सुन ले ये आपके लिए काम की बातें करने लगा हूं। दो पार्टी सिस्टम में तीसरी पार्टी आ ही नहीं सकती। और फिर जब वो पार्टी आ गई तो फिर 3 साल से सुन रहा हूं कि तुम फेल हो जाओगे। ये मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूं और इंशाल्लाह आप ये सब ये अपनी नजरों से देखेंगे कि पाकिस्तान को एक अजीम तरीन कौम बनते हुए। ये मेरी आखिरी एम्बिशन है जिंदगी की। हर चीज में लोग नामुमकिन है, कामयाबी दी, इसलिए कामयाबी दी है, उसने एक उसूल कई बनाए हुए हैं कि जिसने भी कामयाब दुनिया में होना है, कोई भी इंसान आज तक मेहनत किए बगैर कामयाब नहीं हुआ, उसने आज तक दुनिया में बड़ा काम नहीं किया। और कामयाबी का राज क्या है? कामयाबी, नौजवानों खास तौर पे आपके लिए फिर से गौर से सुने, कामयाबी का राज सब पड़ा यह है, बड़ी सोच रखना। जितनी बड़ी ख्वाब आपकी होगी उतना ही बड़ा इंसान बनेगा। अल्लाह ने इंसान को इतनी ताकत दी है कि जब अल्लाह ने फरिश्तों को कहा कि आदम के सामने झुको, तो शैतान ने कहा कि मैं तो आग का बना हुआ, मैं क्यों इसके साथ, ये तो मिट्टी का बना हुआ है। तो अल्लाह ने शैतान को क्या कहा कि तुम्हें भी नहीं पता कि मैंने इस इंसान को कितनी ताकत दी है। तो नौजवानों, लोग अपनी जिंदगी गुजार जाते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि अल्लाह ने उनको कितनी ताकत दी है। जितना आप अपने आप को आजमाओगे, जितना आप चैलेंजेस के सामने खड़े होगे, उतना आप बड़े इंसान बनते जाओगे। कामयाब वो नहीं होता जो सबसे टैलेंटेड होता है, जहीन होता है, अच्छी तालीम मिलने वाला कामयाब नहीं होता। कामयाब वो होता है जो बड़ी सोच, बड़ी ख्वाब रखता है और उसके बाद हार नहीं मानता। जितनी आप ऊपर सोच रखेंगे, याद रखें, उतनी ज्यादा मायूसियां जिंदगी में आएंगी आपके सामने। और इंसान के कैरेक्टर की पहचान बुरे वक्त में होती है, मुश्किल वक्त में पता चलता है कि इंसान का कितना कैरेक्टर है। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैं तुम्हारे ईमान को बार बार मुश्किलों से आजमाऊंगा। क्यों वो अल्लाह हमें मुश्किलें देता है? हमारी बेहतरी के लिए। जब गलतियों को ठीक करता है मेहनत करके, इंसान और मजबूत हो जाता है और ऊपर चला जाता है। और यह है साइकिल जिंदगी का। असल में नौजवानों, ये मेरी अब सब ने यह बात समझनी है, कभी आपको हार हराती नहीं है। जब आप
हार से, बुरे वक्त से हार मान जाते हैं तब आप हारते हैं। जब तक आप हार नहीं मानते, सेल्फ एनालिसिस करते हैं। अच्छा, अभी वो शिफा ने कहा कि अंग्रेजी, मैं सिर्फ अंग्रेजी का पहले क्लियर कर दूं कि देखिए, मैं ये कहता हूं कि फंक्शन में सारे पाकिस्तानी बैठे होते हैं, टीवी पे जा रहा होती है फंक्शन और हम अंग्रेजी में बोल रहे होते हैं। कभी सुना है कि इंग्लैंड के अंदर कोई फंक्शन हो रही है और वो उर्दू में शुरू हो जाए बोलना कोई? कभी सुना है? चाइनीज बैठे होते हैं हमारे यहां, चाइनीज बैठे होते हैं, उनको अंग्रेजी आती भी है तो चाइनीज में बात करते हैं। लेकिन हम हर जगह जाके, दो अंग्रेज बैठा हो या कोई फॉरेनर बैठा हो, हम अंग्रेजी में शुरू हो जाते हैं और हमारे टीवी पर लोग अंग्रेजी समझते नहीं है, तो मैं इसलिए कहता हूं। अच्छा, अब मैं फिर वापस आता हूं। देखें, क्योंकि आपके हाथ में इस मुल्क का मुस्तकबिल है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो मौका मिला है आपको, ये जो आपको स्किल डेवलपमेंट, हुनर सीखने का मौका मिला है, आपको कर्जे मिले हैं जिससे आप कारोबार शुरू कर सकते हैं, ये आपको मौका मिला है कि आप जिंदगी में वो काम कर सकें जो एक मुल्क को भी तब्दील कर दे, आपकी भी जिंदगी बेहतर कर दे। लेकिन कामयाबी तब होगी जब आप इस मेहनत, इस मौके का फायदा उठाएंगे और मेहनत करेंगे, बुरे वक्त से सीखेंगे। हम पाकिस्तान को, हमें यह पता है कि बड़ा मुश्किल वक्त है हमारे पे। मुश्किल वक्त क्यों है? दुनिया पे मुश्किल वक्त आया हुआ है। मुश्किल वक्त क्यों आया है? कोरोना की वजह से। सदियों में एक दफा इतना बड़ा सुन ले बाद में नारे मारना, ये मेरा गौर से बात सुने। कोरोना वायरस सदी में एक दफा इस तरह का एक दुनिया में बुरान आता है। सारी दुनिया में मुश्किल आई हुई है क्योंकि लॉकडाउन कर दिए, लॉकडाउन की वजह से कारोबार खत्म हो गया, सब कुछ रुक गया, सप्लाई लाइंस वो रुक गई, चीजें गायब हो गई, चीजों की कीमत ऊपर चली गई, तेल दुगना, कोयला दुगना, गैस दुगनी से भी ज्यादा। तो ये सारी दुनिया का मसला इस वक्त, उसके लिए मैं फिर आपको कहता हूं कि हम ये प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। एक तो कामयाब जवान तो आपके सामने आज, लेकिन कामयाब पाकिस्तान जो अभी शौकत तरी ने बताया, सूद के बगैर कर्जे 40 लाख खानदानों को, उनको हुनर सिखाना, सूद के बगैर घर के लिए कर्जे, यानी घर बनाने के लिए पहली दफा पाकिस्तान में हो रहा है कि हुकूमत सूद के बगैर कर्जा देगी ताकि एक गरीब घराना अपना घर बना सके। और सबसे ज्यादा जो मुझे फख्र है आज नौजवानों, सबसे ज्यादा फख्र मुझे इस चीज पे है कि पाकिस्तान में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, हेल्थ इंश्योरेंस, सारे खानदान जितने सूबे हमारे नीचे हैं, पंजाब, पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान, हर शहरी को हम इंशाल्लाह हेल्थ इंश्योरेंस देने लगे हैं जो कि जनवरी से शुरू हो जाएगी सारे पंजाब के अंदर हर खानदान के लिए। और इससे यह होगा कि किसी घर में भी बीमारी हो, किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकेंगे। ये मैं हमेशा समझता था जब शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बना रहा था कि अल्लाह ने मुझे कभी भी मौका दिया। शौकत खानम कैंसर क्यों बनाया था हॉस्पिटल? क्योंकि कैंसर का इलाज सबसे महंगा है। जब मेरी वालदा को कैंसर हुआ तो मुझे एहसास हुआ इस चीज का,
तो सोचा कि गरीब लोग कैसे अपना कैंसर का इलाज करवा सकते हैं, इसलिए शौकत खानम बना था। और तभी मैंने इरादा किया था कि अल्लाह ने मुझे कभी भी मौका दिया तो सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस लेके आएंगे कि गरीब से गरीब घराना में भी अगर मुश्किल वक्त आता है तो उनके पास कार्ड हो, किसी भी अस्पताल में जाके अपना मुफ्त इलाज करवा सके। अब मैं आजकल, क्योंकि आपको पता है टेप्स की बात हो रही है, तो मैं भी टेप्स की बात कर ही दूं। टेप्स निकल रही हैं जनाब, जजेस के नाम आ रहे हैं, तो नौजवानों एक चीज आपने समझ ली है, 25 साल पहले मैंने जब पॉलिटिक्स में आया था तो मैंने तब कहा था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। ये टेप्स जो हो रही हैं, ये जो सारा ड्रामा है, अब आप समझें कि ये मसला है क्या मुल्क का। जिस मुल्क के अंदर उनका सरबरा प्राइम मिनिस्टर और वजीर चोरी शुरू कर दें, मुल्क के पैसे को चोरी करके बाहर ले जाना शुरू कर दें, और वो बाहर क्यों ले जाना चाहते हैं, क्यों ले जाना पड़ता है, क्योंकि अगर मुल्क में पैसे रखेंगे तो नजर आ जाएंगे लोगों को, इसलिए उनको बाहर भेजना पड़ता है, तो दुगना नुकसान मुल्क का करते हैं। तब से मैं कह रहा हूं कि कौमें गरीब इसलिए नहीं होती कि उधर वसाइल की कमी है, कौमें गरीब इसलिए होती हैं कि जब उनके अपने सरबरा, उनके प्राइम मिनिस्टर वजीर, जब वो मुल्क का पैसा चोरी करते हैं, वो मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अब ये हुआ क्या है, जरा ये आपने समझना है केस क्या है। पैनमा 2016 में पैनमा केस आया, वो पैनमा केस में क्या चीजें निकली, दुनिया में जिन लोगों ने अपना पैसा छुपा के ऑफशोर अकाउंट्स में रखे हुए थे उनके नाम आ गए, उनमें से एक नाम आ गया कि जनाब जो चार लंदन के अंदर अरबों रुपए के महंगे तरीन इलाके में फ्लैट हैं, उनकी मालिका मरियम सफदर थी। इधर से शुरू हुई बात, उसके बाद अदालत में केस गया, उसके बाद जेआईटी बनी, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में आया और फैसला किया गया कि नवाज शरीफ को सजा हो गई। अब बजाय ये कि आप सिर्फ ये बता दें अदालतों को या पाकिस्तानियों को कि पैसा आया किधर से, ये लंदन चार बड़े बड़े फ्लैट लेने के, बजाय ये बताएं पहले क्यों निकाला, अदलिया को बुरा भला, फिर उसके बाद पाकिस्तानी फौज को बुरा भला, मैं तो खैर बुरा भला तो सबको बुरा भला। भाई आप जवाब दें कि आपने ये चार फ्लैट लिए किधर से, सारी चीजें कह रही हैं लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं। मेरे ऊपर इन्होंने केस किया, सुप्रीम कोर्ट में लेके गए, मेरा भी लंदन में फ्लैट था, मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक एक चीज की, 40-40 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स के मैंने कागजात दिए, जबकि मैं तो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था, मैं तो एक खिलाड़ी था। उसके बावजूद जो अदालत ने मेरे से रसीदें मांगी मैंने उनको दी, 10 महीने लगे। मैंने क्यों, और इन्होंने अभी तक जब इन्होंने अदालत में पूछा, पहले असेंबली में झूठ बोला, ये हैं जी दस्तावेजात, वो फ्रॉड निकले, फिर कतरी खत आ गया, वो फ्रॉड निकला, फिर क्लिबरी फॉन्ट आ गई, वो भी फ्रॉड निकली। उसके अभी तक एक कागज नहीं ये बता सके कि चार लंदन के फ्लैट किस पैसे से खरीदे गए, क्योंकि चोरी का पैसा था। अब सारे पाकिस्तान के इदारों को बुरा भला, लेकिन जो मुझे अफसोस है, और मैं ये आखिर में आपसे सबसे बात करना चाहता हूं, ये आखिरी बात है, ये समझ जाए,
अफसोस किस चीज का है कि एक लाहौर में फंक्शन होती है, उधर चीफ जस्टिस को बुलाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बुलाया जाता है, उधर कौन तकरीर करता है? जो आदमी सुप्रीम कोर्ट ने जिसको कन्विक्ट किया हुआ है, जो झूठ बोल के मुल्क से बाहर भागा हुआ है, वो तकरीर कर रहा है। मेरे नौजवानों, एक मेरी बात सुन लें आप, कौम कभी खत्म नहीं होती पैसा चोरी सिर्फ करने से, कौमें फिर ठीक हो जाती हैं, पैसा फिर बना लेती हैं, लेकिन कौम तब तबाह होती है जब चोरी को बुरा नहीं समझा जाता। जब एक कौम की इखलाकियात खत्म होती है, कौम खत्म हो जाती है। मौलाना रूमी ने किसी ने पूछा कि कौम कैसे मरती है, मौलाना रूमी ने कहा जब वो कौम, उन्होंने दो दरख्तों की मिसाल दी, एक खुशबूदार दरख्त और एक बदसूरत, कहता जब इनमें फर्क खत्म कर देती है, अच्छे बुरे की तमीज खत्म करती है, कौम मर जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीना की रियासत बनाई थी उसकी बुनियाद रखी थी अच्छे को अच्छा कहो और बदी को खत्म करो, अच्छे को अमर बिन मारूफ, बड़ा कुरान की आयत के हमारे ऊपर फर्ज कर दिया कि अच्छे को अच्छा कहो, बुरे को बुरा कहो। जब तक एक कौम की अखलाकियात कायम रहती है वो कौम को कोई खत्म नहीं कर सकता। जापान, दो एटम बम गिरे जापान के ऊपर, 10 सालों में जापान फिर खड़ा हो गया, एटम बम भी तबाह नहीं कर सका क्योंकि उनकी अखलाकियात कायम थी। जो मदीना की रियासत की बुनियाद इखलाकियात पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी, उसके बाद खुशहाली आई थी। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये मैं आप सबको आखिर में ये कहना चाहता हूं कि ये कौम वो कौम बनने जा रही है जो आप अभी तसव्वुर नहीं कर सकते। अल्लाह ने इस कौम को सब कुछ दिया है, टैलेंट दिया है, यही नौजवान बाहर जाते हैं एक से एक बड़ा काम कर देते हैं। हमारा सिस्टम क्योंकि करप्ट किया हुआ था, इसकी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है सिस्टम को ठीक करने में, लेकिन मुझे कोई शक नहीं कि ये अजीम कौम बनेगी। लेकिन एक चीज मैं ये भी जो आखिर में आपको कहा कि ये भी मेरे जहन में है कि कभी भी जब तक हम अपने इखलाकी, हम अपने मॉरल स्टैंडर्ड्स ऊपर नहीं उठाएंगे, हम वो उधर नहीं पहुंच सकते जिधर हमें पहुंचना चाहिए। इसलिए मैंने रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई है, और इसका मकसद क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से, उनकी सीरत से सीख के, उनके कैरेक्टर को अपनी जिंदगियों पे, उस पर अमल करें हम, यानी अपनी जिंदगी में लेके आए। हम आशिक रसूल हैं सब, हम उनसे प्यार करते हैं, लेकिन जो उनकी सीरत है वो अपनी जिंदगी पे लागू नहीं करते। और सिर्फ ये हमारा मकसद है कि अपने स्कूल के बच्चों से शुरू करें, उनको उनकी जिंदगी से सिखाएं, कैरेक्टर बिल्डिंग करें, क्योंकि अजीम कौम का अजीम कैरेक्टर होता है। उस्मान, मैं आखिर में आपको और आपकी टीम को फिर से खराज तहसीन पेश करता हूं। एक जबरदस्त आपने ये जो प्रोग्राम किया है।